सो हेलो एंड वेलकम यू ऑल, आई एम रोहित फ्रॉम मार्जिन ट्रेडर। सो गाइस, आज हम बात करने वाले अडानी पावर एंटिटी के बारे में। तो गाइस, काफ़ी कुछ इस स्टॉक में होने वाला है और स्टॉक में हो सकता है गिरावट हो जाए। वो गिरावट इसमें हो भी रही तो गिरावट से बिल्कुल आप डरिए ना, क्योंकि हो सकता है रिट्रेसमेंट करने स्टॉक नीचे आ रहा हो, रिट्रेस करने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग भी होती है स्टॉक के बढ़ने के बाद। तो गाइस, पूरा एनालिसिस हम इस वीडियो में करने वाले हैं और क्या कुछ आगे हो सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखना, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 5.40 रुपये तक इसमें गिरावट देखने को मिली हमें 3 सितंबर यानी कल के दिन ये स्टॉक गिरता हुआ हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है, लगभग 5.40 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था 112 रुपये पर। अच्छा खासा ओपन हुआ था, गैपअप हुआ था और लो में आ गया था 103 पे आ गया था 9:30 तक, और ऊपर गया फिर से 107 रुपये के लेवल तक, फिर 105 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था, फिर साइडवेज चलते चलते 103 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दे दी। 4.97% की हमें यहाँ पर गिरावट नज़र आ रही है अगर बात करें कल के दिन की। तो बात करें अगर 5 दिन के टाइम फ्रेम पर, तो स्टॉक आप देख सकते हो 91 रुपये से स्टॉक ने हाई लगा दिया था, लगभग 108 रुपये के आसपास का, 108 रुपये के आसपास तक का हाई लगा दिया था और 91 रुपये में ट्रेड कर रहा था स्टॉक, फिर साइडवेज चलते चलते अच्छा खासा इसने लगा दिए थे हायर हाइज इसने लगा दिया था। लगभग बात करें 30 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक तो 17 रुपये तक इसने रिटर्न दिए थे, फिर उसके बाद गिरावट देखने को मिली, लगभग 5.40 रुपये स्टॉक गिर गया था। अगर सब कार्ड के अगर ओवरऑल अगर से 5 दिन के देखा जाए, जूमिंग करके बताता हूँ गाइस में, तो 12 रुपये स्टॉक यहाँ पर बढ़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है 13% की तेज़ी के साथ। तो देखते हैं अभी 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर क्या कुछ होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 88 रुपये पर ट्रेड कर रहा था 5 अगस्त के दिन, 88 रुपये पर ट्रेड कर रहा था, फिर उसके बाद ऊपर गया लगभग 92 रुपये तक का, 4 रुपये तक की बढ़त हमें देखने को मिल गई थी सिर्फ 1 दिन के अंदर। फिर उसके बाद क्या हुआ, 6 अगस्त से जो स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, स्टॉक 18 रुपये तक नीचे गिर गया था, 18 रुपये तक स्टॉक नीचे गिर गया था गाइस 23 अगस्त से। अगर बात की जाए 6 अगस्त से 23 अगस्त के बीच 18 रुपये तक स्टॉक नीचे गिर गया था 20% की गिरावट के साथ। वही अगर बात करें 73 रुपये के प्राइस से जो स्टॉक बढ़ना स्टार्ट हुआ, तो स्टॉक कब तक बढ़ा, 34 रुपये तक स्टॉक बढ़ गया था 23 अगस्त से 2 सितंबर के बीच तक। तो काफ़ी ये जो तेज़ी थी काफ़ी अच्छी थी, एक ही रैली में स्टॉक बढ़ गया था। और क्यों बढ़ा था, ब्रेकआउट भी मिला था, मैंने बोला था कि स्टॉक अगर ब्रेकआउट देता है तो काफ़ी हद तक हमें रिटर्न्स इसमें मिलने वाला है। और उसके बाद स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली 2 सितंबर से लेके 3 सितंबर तक, एक ही दिन में स्टॉक 5.30 रुपये तक गिर गया। ओवरऑल अगर देखा जाए यहाँ पर तो 15 रुपये तक स्टॉक ने हमें तेज़ी देखने को मिली है, 15 ही रुपये, जबकि तेज़ी होनी चाहिए थी लगभग 34 रुपये के आसपास, बट 15 रुपये ही हमें तेज़ी देखने को मिली है 17% की तेज़ी के साथ। वही अगर 6 मंथ के टाइम फ्रेम पर देखा जाए तो 74 रुपये ट्रेड करने वाला स्टॉक चले गया था लगभग 104 रुपये तक, बात कर रहा हूँ मैं 24 मार्च की, फिर साइडवेज चलते गया नीचे आ गया 92 रुपये पर, फिर से आ गया हाई लगा 154 के आसपास का हाई लगा था। आप देख सकते हो 28 मई को 91 रुपये पर ट्रेड करने वाला स्टॉक, आप देख सकते हो जून की अगर बात की जाए 7 जून 9 जून के आसपास सिर्फ थोड़े ही दिनों के अंदर 62 रुपये तक स्टॉक बढ़ गया था, फिर उसके बाद गिरावट आई लगभग, फिर स्टॉक गिर गया 80 रुपये के आसपास, फिर अभी ये तेज़ी की ओर बढ़ रहा है और 28 रुपये ओवरऑल इसने रिटर्न दिया है, 28 रुपये स्टॉक बढ़ा है 28.80 रुपये का और 38.74% के रिटर्न के साथ। अभी वही अगर बात की जाए 1 साल के रिटर्न की, तो 37.20 पैसे पे ट्रेड कर रहा था 7 सितंबर को, फिर साइडवेज चलते चलते लगभग 18 रुपये तक स्टॉक बढ़ गया था, 18 रुपये से फिर बढ़ना स्टार्ट हुआ, काफ़ी हद तक इसने स्टॉक ने रिटर्न दे दिया था 96 रुपये तक रिटर्न दे दिया था, फिर उसके बाद गिरना स्टार्ट हुआ, गिरते गिरते 80 रुपये पर आ गया था। तो ओवरऑल अगर देखा जाए पिछले 1 साल का तो 65.95 रुपये तक स्टॉक बढ़ा है, और वही अगर बात की जाए इसके परसेंटेज में रिटर्न्स की, तो 177% तक का इसने स्टॉक ने रिटर्न दिया है। अब बात करते हैं इसके 5 साल के टाइम फ्रेम पर, तो स्टॉक नीचे ही था, अगर मैक्स अगर पिछले कुछ पीछे जाया जाए तो उतना ही था, कुछ ज़्यादा इसमें हुआ नहीं है, बट कुछ दिनों के अंदर ही इसमें अच्छे रिजल्ट हमें मिल गए थे। और वही अगर बात करें इसके मार्केट कैप की, तो मार्केट कैप भी गाइस अगर देख सकते हो
39.78 हज़ार करोड़ का इसका मार्केट कैप है, जो कि अच्छी बात है। और पी रेशियो भी 17.84 का, और हाई की अगर बात करें तो 166.90 पैसे इसका हाई है 52 वीक का। अगर लो की बात की जाए तो 52 वीक के लो की अगर बात की जाए तो 34 रुपये इसका लो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स रिपोर्ट की। फाइनेंशियल्स रिपोर्ट के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पर मैं नीचे आ जाता हूँ। तो यहाँ पर इसने जून 2021 की बात की जाए तो 65 रुपये पर ट्रेड कर रहा था स्टॉक, और नेट इनकम की बात की जाए तो 2.78 बिलियन था। और बात करें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू की तो 45.19 बिलियन यहाँ पर दिख रहा है, वही मार्च 2020 बात की जाए तो 63 बिलियन के आसपास था, और कैश ऑफ हैंड्स लगभग इसके पास था 1.13 बिलियन के आसपास। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू की बात की जाए तो 47.60 बिलियन यहाँ पर दिख रहा है, वही दिसंबर 2020 की बात की जाए तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू इसका 48 था, 48 बिलियन के आसपास, सितंबर में 32 बिलियन के आसपास और जून में 34 बिलियन के आसपास। अब गाइस चार्ट की बात कर लेते हैं किसी भी, इस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसका चार्ट, इसका इम्पॉर्टेंट चीज़ है और चार्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ से ये स्टॉक टूटना स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर सपोर्ट लेके टूटना स्टार्ट हुआ था, फिर साइडवेज चलते गया और यहाँ पर देख सकते हो एक रैली में काम किया इसने नीचे की ओर, और एक ए फॉलिंग वेज जैसा पैटर्न यहाँ पर हमें बनता हुआ दिख रहा है, और उसी तरीके से नीचे रहता हुआ हमें दिख रहा था। वही अगर बात करें तो ये काफ़ी नीचे तक आ गया था, और मैंने बोला था कि अगर यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता है, यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा और यहाँ पर ब्रेकआउट मिलेगा, ब्रेकआउट अगर मिलता है तो काफ़ी हद तक ऊपर तो जा सकता है, और ये स्टॉक गया भी। और उसके बाद मैंने बोला था कि रिट्रेसमेंट करने आएगा और काफ़ी हद तक प्रॉफिट बुकिंग इसमें होने वाली है, क्योंकि अडानी के स्टॉक्स में ज़्यादातर कोई ट्रस्ट नहीं बिताता है, ट्रस्ट इश्यू होता है। कई बार इसके स्टॉक गिर गए, हाई प्राइस लेवल पे गिर गए, हाई प्राइस से लो प्राइस तक आने में इसे टाइम नहीं लगता, तो ये वही हो रहा है। शायद ये हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग चल रही हो, रिट्रेसमेंट करके फिर से ऊपर की ओर स्टॉक जा सकता है आने वाले टाइम में। तो देखना होगा कि क्या कुछ आगे होता है गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।